ये आपके कुछ एमपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और आप देखेंगे कि इन क्वेश्चंस से आपके एक दो क्वेश्चंस आपकी हर परीक्षा में आते रहते हैं। एमपी स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, एमपीपीएससी हो और पटवारी हो या एसआई दरोगा हो, पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो, ठीक है, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके। और आप लोगों से इसीलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप लोग कम से कम पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब एमपीपीएससी की आप लोग कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपको मालूम चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखा करिएगा। अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में किसने करवाया था? तो ये था नरेश कीर्तिपाल। कौन? नरेश कीर्तिपाल। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाया गया था? अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है, विदिशा में। किस में? विदिशा में। ज्वाली ऋषि की तपोभूमि कौन सी है? जबलपुर। कौन सी? जबलपुर। महू में स्थित डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक राष्ट्रीय संस्थान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उन्नति के अवसर प्रदान करना, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा समाज पित सत्तात्मक है और महिलाओं के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, ठीक है। राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में कब हुई थी? 1991 में। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1991 में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है? इटारसी में, ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा को नहीं, याद रखिए। कई भी जगह अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को कहते हैं और कई जगह आपकी बेतवा को कहते हैं, लेकिन स्पेशल बुक कोई उठा के आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोग नर्मदा देखेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए कि नर्मदा बड़ी नदी है यहाँ की। मालवा की गंगा की बात किसे कहते हैं? छिप्रा। मालवा की गंगा छिप्रा नदी को, और आप जानते हैं इसी के किनारे पर आपका उज्जैन है। और इसके बारे में और कुछ जानकारी हो मध्य प्रदेश की गंगा के बारे में तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा को। किसे? नर्मदा को। देवास में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस की स्थापना 1975 में। देवास में आप समझ रहे हैं नोट छपते हैं। छिदवाड़ा की पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है? भारिया। धार जिले की विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध किस लिए है? बौद्ध भित्ति चित्रों के लिए। मैग्नीज के विपुल उत्पादन के कारण मैग्नीज नगरी किसे कहते हैं? बालाघाट को। किसे? बालाघाट को। मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हैं? आप सभी जानते हैं कि सन 2000 के पहले छत्तीसगढ़ हमारा ही हिस्सा हुआ करता था मध्य प्रदेश का, लेकिन छत्तीसगढ़ से अलग करके, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। इसमें 6 देखेंगे: बालाघाट, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी। और एक बात बता देता हूँ आपको, सिंगरौली एकमात्र जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ से मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर गुजरती है। एक क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को छूते हैं? उत्तर प्रदेश। 14 जिले देखने को मिलेंगे। राजस्थान 10, महाराष्ट्र 9, गुजरात 2, सबसे कम महाराष्ट्र, ठीक है, माफ करिए, सबसे कम गुजरात, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। रेलवे के डिब्बों का निर्माण रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ? भोपाल में देखने को मिलेगा। बुधनी का रेलवे स्लीपर कारखाना किस जिले में है? सीहोर में देखने को मिलेगा। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो देखिए इन्होंने फिर से सरकार बना ली है, तो ये बुधनी क्षेत्र से नामांकन दर्ज करते हैं और जीत के आते हैं। बुधनी किस जिले में आता है? सीहोर में। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान ने अपना पहला चुनाव कब लड़ा था? 1990 की बात है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के किस प्रत्याशी ने बुधनी से अपना नामांकन दर्ज किया था? अरुण यादव ने, लेकिन अरुण यादव हार गए थे। एक बात याद रखिए, आप जानते हैं कि मार्च 2020 में शिवराज सिंह ने फिर से सरकार बना ली है। आपने देखा होगा कि सिंधिया अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे और कमलनाथ की सरकार गिर चुकी थी। बावनधड़ी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बावनधड़ी परियोजना से मध्य प्रदेश का लाभान्वित होने वाला जिला? बालाघाट। गजराज चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में देखने को मिलेगा। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। आदिवासी शोध के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? अमरकंटक, अनूपपुर में।
मध्य प्रदेश की व्यवसाय एवं खेल राजधानी कौन सी है? इंदौर है, इंदौर। प्रेम प्रसंग पर आधारित वलमा नृत्य किस आदिवासी द्वारा किया जाता है? बेगा। चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कोरकू। उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? ये जबलपुर की बात चल रही है। राज्य में कैंसर चिकित्सा और शोध संस्थान 1977 में किस स्थान पर बनाया गया था? ग्वालियर में। शिवपुरी जिले के सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? पार्वती। इन जलप्रपात से भी क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। डुबना जबलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या किया गया? रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति कला केंद्र ये मुरैना में देखने को मिलेगा। राज्य की कुल विधानसभा सीटें 230 देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 सीटें देखने को मिलेगी। बड़े सरल हैं लेकिन क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। राजकीय पक्षी साहेब बुलबुल का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जा रहा है? सरदारपुर में। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? साहेब बुलबुल। सरदारपुर अभयारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? धार जिले में। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिन्स। भारत का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के दमोह संग्रामपुर में। राज्य विद्युत मंडल की भवन का क्या नाम है? शक्ति भवन। छिंदवाड़ा और बालाघाट किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? जबलपुर। मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला बना था 1 अक्टूबर 2018 को गठित किया गया था, देखिए निवाड़ी, और आप जानते हैं कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। पृथ्वीपुर तहसील हो, ओरछा तहसील हो, निवाड़ी तहसील हो, ये सभी अब किस में पड़ते हैं? निवाड़ी में, टीकमगढ़ में नहीं पड़ते हैं, और ओरछा भी आपका निवाड़ी में आने लगा है। निवाड़ी जिला का गठन किस जिले से अलग करके? टीकमगढ़ जिले से। वर्तमान नवीन निवाड़ी जिले में कितनी पंचायतों को शामिल किया गया? 127। पृथ्वीपुर की 56 देखने को मिलेगी, निवाड़ी 54, ओरछा में 17। 51वां जिला आगर मालवा का गठन कब किया गया था? ये 16 अगस्त 2013 की बात है, उसके बाद 52वां आपका निवाड़ी है। आगर मालवा किस संभाग के अंतर्गत आता है? उज्जैन के। आपने देखा होगा कि कर्क रेखा पहले शाजापुर से गुजरती थी, अब आगर मालवा से, क्योंकि शाजापुर से अलग करके आगर मालवा बनाया गया है। मध्य प्रदेश की का जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला, याद रखिए निवाड़ी है, ये जनसंख्या के मामले में भी है और क्षेत्रफल के मामले में भी है सबसे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निवाड़ी जिला किस संभाग में पड़ता है? सागर में। और सागर में अब छह जिले आ गए, पहले आप जानते हैं कि पांच थे। धसान किसकी सहायक नदी है? बैधवा नदी की। टीकमगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैन धर्म का कौन सा तीर्थ है जहां 108 जैन मंदिर देखने को मिलेंगे? पपोराजी। आप लोग होंगे यहाँ के तो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ अच्छू माता का मंदिर ये पृथ्वीपुर तहसील में देखने को मिलेगा, टीकमगढ़ निवाड़ी रोड पर। बैतूल, होशंगाबाद, हरदा जिले किस संभाग में आती? नर्मदापुरम में। किसमें? नर्मदापुरम में। पहले से होशंगाबाद संभाग कहते थे, इसका नाम बदल दिया गया। सर्वोच्च घर संग्रहालय राज्य में कहाँ है? ग्वालियर में। और याद रखिए होशंगाबाद जिले का नाम भी नर्मदापुरम रखा जा रहा है। सर्वोच्च घर संग्रहालय कहाँ? क्या है? संगीत संग्रहालय है। ग्वालियर के उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक से था। जॉर्ज कौशल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में। रेणुका माता मंदिर जमधारा किस जिले में देखने को मिलेगा? भिंड में, ठीक है, चंबल आप जानते हैं वही है। घोघरा की चंडिका देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी जिला में। याद रखिए विस्तार से हम लोगों ने क्लास ली हुई थी आपकी, आप जाइए एमपी स्पेशल के नाम से आपकी सूची बनी हुई है, उसी में डली हुई है। बीरबल की तपोस्थली घोघरा किस राष्ट्रीय उद्यान में? मोगली लैंड है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। माड़ा की बौद्धकालीन गुफाएं किस जिले में देखने को मिलेगी? सिंगरौली में। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले और त्यौहार आयोजित होते हैं? उज्जैन में। भारत में उत्पादित बॉक्साइड का मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत योगदान है? 20% के आसपास। 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किससे जाना जाता था? पचमढ़ी को। जनगणना 2011 में लिंग अनुपात में के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को नंबर एक स्थान दिया गया? बालाघाट। और सबसे कम आप देखेंगे भिंड में। आप लोग याद रखिए लिंगानुपात का कहने का मतलब ये होता है
1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, मटकी नामक लोक नृत्य किस स्थान पर प्रचलित है? मालवा पर। श्री गोविंद नारायण जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किस कार्यकाल में काम किया? 1967 से 69। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? तो ये याद रखिए, अब 17 हो चुके हैं आपके, ठीक है, कितने हो चुके हैं? 17 हो चुके हैं आप लोग। और याद रखिए, ये तो क्या है कि बदलते रहते हैं, आप देखेंगे जिला बदलते रहते हैं आपके, ये भी बदलते रहते हैं आपके। क्या पूछ रहा है? नगर निगम 16 है, नगर निगम आपके 16 हैं। और याद रखिए, नगर पालिकाएं आपकी 99 हो चुकी हैं, ये आपके बता रहा हूँ अभी करेंट के हिसाब से, ठीक है, 16 और आपके 99। सरकारी अफीम और अल्कोइड फैक्ट्री राज्य में कहाँ? नीमच में देखने को मिलेगा। ये याद रखिए, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनगणना कितनी है? ये आप देखेंगे 7,26,00,000, 26,809 बताई जाती है। और इसे ही याद रखिए आप लोग, ठीक है, जाना आप लोगों को परेशान भी नहीं होना है। कितनी? 7,26,26,809 ये कुल आपकी जनसंख्या है। लिंगानुपात आपका देखिए 931 है मध्य प्रदेश का। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ पॉइंट है, इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। वह नदी जो पूर्व में मेरे रहते हुए मध्य प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा के पास खंभात की खाड़ी में गिरती है, महानदी है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2000 ए उषा खरी थी। पन्ना जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? सागर की। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8 सितंबर 2018 को राज्य के किस शहर में चार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में से एक स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी? भोपाल की बात है। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा 2018 में बिजली में वित्तीय छूट की घोषणा की गई थी, उस योजना का नाम क्या था? संबल योजना। गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी के विभाजन का निर्माण ये मालवा का पठार करता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इंदौर घराने के संस्थापक आमिर खान साहब थे। जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है 236, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 236। एक और आपको जनगणना के बारे में बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है लगभग कई परीक्षाओं में। जनगणना देखिए हर 10 साल में होती है, और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पहली बार कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। अगर नियमित और दस की जनसंख्या की बात करें गणना की, तो आप देखेंगे 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखिएगा। मालनपुर में लघु शस्त्र निर्माण इकाई किस देश के सहयोग से शुरू की गई? इजराइल के। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल पिथौरा पेंटिंग पारंपरिक अभ्यास से जुड़ा हुआ है? आधार कंच। 1958 को उज्जैन में आयोजित प्रथम कालिदास समारोह का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं हमारे पहले राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। इंदौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब? 1996 में की गई थी। पंडित कुमार गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? देवास में। क्रिकेट से जुड़े राहुल द्रविड़ का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इंदौर में। हॉकी से जुड़े कप्तान रूप सिंह का जन्म ये जबलपुर में। और आप देखेंगे ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2018 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? मनीषा कौर थी। वाणिज्य और उद्योग के मध्य प्रदेश संघ फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ये 1976 की बात है, इसे भी याद रखिए। देखिए, इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है बिल्कुल भी, एक से दो बार पढ़िए और निकल जाइएगा, समझ रहे हैं? अपने आप याद बने रहते हैं, बस आराम से बड़े कान खोल के रखना है, आंखें गड़ा के रखनी है। मुझे लगता है एक से दो बार में काम हो जाता है, अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में किसी।